बहुत आगे बढ़ गई हो तुम। अभी तो बस शुरुआत है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो हम तुम्हारी देख ही रहे हैं, जो काम घर पे नहीं कर पाती थी वो यहाँ बड़े आराम से कर रही हो। छोटन बाबू से मुलाकात हो? जी पापा, मैं मिला था उनसे। उन्होंने एफिडेविट और सारे पेपर्स में सब रेडी करा दिया है, बस कल बीडीओ ऑफिस में जाऊंगा उन्हें सबमिट करने। होपफुली मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं यहीं आप सबके साथ अपने शहर में रहकर काम करूंगा। हमें आपको उस सृष्टि की दृष्टि से दूर रखना ही होगा, और उसका एक ही तरीका है कि आपको लंदन वापस जाना होगा। तुम कल आने वाले रिजल्ट के बारे में फिक्र कर रही हो? फिक्र होनी भी चाहिए। जितना मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानता हूँ, कल तुम टॉप करने वाली हो, देख लेना। हुआ कि नहीं? अरे यार, जितना टाइम ई खुलने में लग रहा है ना, उतने टाइम में ना हम पटना यूनिवर्सिटी जाके भी आ जाते, और आते समय तो ना ये ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, हम और नर्वस होते जा रहे हैं। तुम काहे नर्वस हो रही हो? तुम तो टॉप करोगी, टेंशन तो हमें हमारा हो रहा है। हे भगवान, प्लीज हमें पास कर दीजिएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे पूनम, डोंट वरी। तुम कह रही हो ना, तो मान लेते हैं, बाकी तो हमें कोई खास विश्वास नहीं। अनुराग भैया, जल्दी उठिए भैया। भैया बहुत जरूरी काम है, उठिए ना। अरे विशु, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? तुम ठीक हो? भैया अपना लैपटॉप लीजिए और जल्दी से ना सृष्टि जी का रिजल्ट चेक कीजिए। सृष्टि का रिजल्ट? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, उसका तो आज रिजल्ट आने वाला है। रोल नंबर बोलो। ये लीजिए। खुल गया। हे भगवान, टॉप करवा देना सृष्टि जी को। मुबारक हो, सृष्टि टॉप 10 में आई है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। अरे वाह भैया, सृष्टि जी को फोन लगाई है ना? हाँ, एक सेकेंड। इसका इंतजार करने से अच्छा हम फोन पर चेक कर लेते हैं। विशु जी का फोन होगा, उनको भी जानना होगा हमारा रिजल्ट। अब जब हमें अपना रिजल्ट नहीं पता तो उनको क्या बताएं? सिस्टी तो फोन नहीं उठा रही, तो सुबह का टाइम है, कहीं बिजी होगी, बाद में फोन कर लेगी। इट्स ओके, तुम आराम से विश करने ला। लेकिन भैया, हम सोचे थे कि सबसे पहले सिस्टी जी को बधाई देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना जाकर पूरे घर में सबको बता देते हैं, उसके बाद सिस्टी जी को फोन कर देंगे। ठीक है? एकदम नई फूल जैसन थे हम। कैसन बीपत पड़ा है घर में, एक सारा काम हम ही को करना पड़ता है। आइए आइए आइए, कहाँ है सारे लोग? काम करते हैं ना, कोनो को करने दे। अरे कहाँ हो गया विशु? विशु विशु बेटा, काहे बजा रहे हो थाल है? आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, सृष्टि जी भारी नंबरों से पास हो गई है। सृष्टि जी का नाम कॉलेज के टॉप 10 में भी आया है। बुआ, तुम्हें कानून वाली को घर से तो निकाल दी हो, बाकी विशु बाबू के दिमाग से कैसे निकालोगे? अरे वाह, ये तो बड़ा खुशी का खबर सुनाया तुमने। दिव्या, ब्रजभान को बोल के मिठाई मंगवा लो, हम अब विशु मिलके पूरा गांव में बांटेंगे। अब कोनो जरूरत नहीं है गांव में मिठाई बांटने का। अरे सबसे कहिएगा का, हमारा बहू जो घर छोड़कर भाग गई है, उसका पास होने की खुशी में आप मिठाई बांट रहे हैं? दोनों का खुशी है, हमारा तो काम बढ़ गया ना पागल लेकर। LLB अंतिम वर्ष का परीक्षा फल घोषित।
सवेरे सवेरे अखबार खोलो तो ये फालतू का खबर दिखाई पड़ता है। अच्छा करते हैं कि हम अखबार नहीं पढ़ते। खेत का सिंचाई हो जाना चाहिए, पड़े पड़े समंदर भी सूख जाता है। कैसी हैं बेटा जी आप? बस बाबूजी जैसे आपके सामने वैसे ही हैं। बाबूजी के सामने भी आप सोच विचार में डूबी हैं। क्या समस्या है? अब बाबूजी वो हम सोच रहे थे कि वो वीडियो नहीं है, उसको एक बार फोन करके ना दोबारा हड़का दे, क्योंकि कहा है ना कि आजकल किसी का भरोसा नहीं है, कब कौन कहां पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता ना। बहुत अच्छा बेटा जी, आदमी का परख हो गया आपको। अरे वो दामाद जी का सुबह से एक बार भी फोन आया कि अपना काम में बिजी हैं? हाँ आया था ना, वो सवेरे से ना हम उन्हीं से ही बतिया रहे थे, पता नहीं कितना बात रहता है उनके पास। बेटा जी ऐसा है, बेटा जी एक दूसरे के साथ रहने से ना आदत पड़ जाता है। अरे उनको भी तो याद आता होगा ना आपका, इसलिए फोने वोन करके जो है बतिया लेते हैं। और आप दोनों सुनिए, अनुराग बाबू जरा संकोची स्वभाव के हैं, उनका मन होगा भी तो भी अपना पत्नी से यहां मिलने नहीं आएंगे। ऐसा कीजिए बिलासपुर जाइए और दामाद बाबू को साथ लेकर आइए। बाबूजी इसका क्या जरूरत है, अब बिलासपुर जाके लाना? जरूरत है बेटा जी, सगा संबंधी और कुटुंब को ना ऐसा मौका पर जरूर बुलाना चाहिए, इससे रिश्तेदारी जो है वो मजबूत होता है। अरे कहाँ है भाई, जाइए। पराग भैया, पराग भैया आप रुकिए ना, अभी हम पहले फोन कर लेते हैं उनको, फोन पे एक बार बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना, उसके बाद जाइएगा आप, ठीक है? चलिए ये भी बात बहुत अच्छा है, दामाद बाबू को फोन लगाइए और पूछिए। लगाइए भाई। हाँ हाँ पूछ रहे हैं। तो दिए लेकिन आप फोन मत उठाइएगा, हे भगवान उनका लाइन खराब कर दीजिए। हाँ राखिनी बोल। रागिनी तुम मेरी आवाज सुन रही हो? हाँ हेलो मिस्टर जी, आप कैसे हैं? आप सब ठीक है ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक है, बिजी चल रहे हैं। हेलो। हाँ हमें पता है आप बहुत मन लगा के काम कीजिए अपना, आप यहाँ चिंता मत कीजिए। क्या हुआ रागिनी, तुम्हारे बाबूजी हैं क्या आसपास? हाँ वो बाबूजी को बता देंगे कि आप बहुत बिजी चल रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं मैं बात कर सकता हूँ उनसे। लो फोन। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा, हम आपका ना प्रणाम बोल देंगे बाबूजी को। ठीक है रखते हैं, बाय। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, जो लड़की मुझसे बात करने के लिए परेशान रहती थी आज वो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। बहुत बिजी चल रहे हैं वो, लज्जा भी रहे थे कि बाबूजी से बात नहीं कर पा रहे। कहीं मिस्टर जी का तो फोन नहीं है, अब क्या करें हम? ये तो किसी और का नंबर है। हेलो
वीडियो का तो लगता उंगली ना हमें टेढ़ा करना पड़ेगा हमारे अभी। चलो ना बाबूजी हम अभी आते। इंटरनेशनल कॉल। Hi, Mrs. Steve. How are you? Hi, Anurag. So we went through your papers. We think we would like to have you on board. What? I mean, seriously? Yes. Congratulations. You can join us in the next 15 days. Yeah, yeah, Mr. Steve. I got it. Yeah, yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah, goodbye. मुझे क्या करना चाहिए? They want me on board. ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता लेकिन यहां से अचानक सब कुछ छोड़ के जाना कितना ठीक होगा मेरे लिए। I don't know what to do. सृष्टि जी को इतना बड़ा खुशी मिला है उनको किसी ना किसी तरीके से ये देना ही होगा। पूनम यार हमारे लैपटॉप में साइट ओपन ही नहीं हो रही है। हम साइबर कैफे जाके देखते हैं। जितना यहाँ पर वेट करेंगे उतनी घबराहट बढ़ेगी। चलो साइबर कैफे चलते हैं। शेखर अरे उठो। शेखर जी तुम ये गिफ्ट की दुकान बनके काहे घूम रहे हो? हम गिफ्ट इसलिए लेके आए हैं कि तुम दोनों ने कमाल कर दिया। पूनम तुम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई हो और सृष्टि तुम टॉप 10 में आई हो। हां मैं साइबर कैफे। क्या क्या कहा तुमने? अरे वो कह रहे कि तुम टॉप 10 में आई हो। अभी हम समझे शेखर जी कि तुम एक गिफ्ट शॉप बन के काहे आए थे। हमारे लिए था है ना? Yes. Congratulations, girl. तुम दोनों ने कमाल कर दिया। सृष्टि, you have done it. और ये फ्लावर्स तुम दोनों के लिए। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और सृष्टि, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सृष्टि अब इतनी खुशी की बात में ना तुम्हें रोने की तैयारी मत करो। हाँ अरे तुम टॉप 10 में आए हो और हम डिस्टिंक्शन से पास हो गए। चलो अब केक काटते हैं फटाफट। हो वीडियो लगता है वो दिन तुम दीदी जी को बड़ा हल्के में ले लिया भाई। आज हम तुमको इनका परिचय देते हैं। वैसे इनका परिचय से ना पूरा जवार का लोग वाकिफ है लेकिन ससुरा तुम काम में ऐसा किए हो ना कि आज हमको इनका परिचय देना पड़ रहा है तो कान खोल के सुनो। दो ठो इंजीनियर तीन ठो पुलिस वाला और तुम्हारे जैसा ना 5 ठो वीडियो अपना बिना मर्जी के गंगा में डुबकी लगवाई है दीदी जी समझे है? लेकिन का है ना कि मन का ना बहुत कोमल है दीदी जी। 2 घंटा बाद जाला फेंक के बाहर भी निकलवा ली लेकिन इस बार ना नदी में जाल नहीं डलवाएंगे मगरमच्छ छुड़वाएंगे। वादा खिलाफी का सजा ना मौत होता है वीडियो। देखिए देखिए मैडम आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम बाल बच्चे वाले हैं और मैडम आप हमारे दिल की बीमारी तो जानते ही हो। चुप एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा टेंडर रिजेक्ट करने की? कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने का हमारा कोई मिस्टेक नहीं था। सही कह रहे हो
मिस्टेक तुम्हारा नहीं, मिस्टेक हमारा था जो तुम्हारे जैसे दिल के मरीज पे भरोसा कर लिया। आज तो ना तुम्हें हार्ट अटैक दिलवा के रहेंगे हम, समझे? हाँ मैं माफ कर दीजिए रागनी जी। देखिए उस दिन आप ऑफिस में आई थी, तुरंत मैंने फाइल पे ठप्पा लगा के आगे बढ़ाया था ना, पर फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। फिर कौन पैदा हो गया ऐसा? किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है? कौन रोका हमारे भाई को? हाँ कौन है, नाम बताओ ससुराल में उसका। सृष्टि देखना तुम एक दिन बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। ये सब तुम्हारे एनकरेजमेंट और सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल था। थैंक यू सृष्टि, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। समथिंग स्पेशल? खोलो। ओके। Best lawyer in making. रखने से क्या ना कि गवर्नमेंट क्वार्टर के कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सख्ती चल रही है आजकल, तो कमेटी पे बहुत दबाव है ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर चुनने का, इसीलिए मजबूरी बस आपका ठेका रद्द करना पड़ा। नए कॉन्ट्रैक्टर को चुनना पड़ा क्योंकि वो विदेश से पढ़ के आया है। अब कमेटी को लगा कि वो अच्छा काम करेगा। तो ये विदेशी लोगों का नाम मत लो हमारे आगे, एक नंबर के झूठे होते हैं सब की सब। पता नहीं काहे विदेश जाते हैं और आते हैं तो वापस काहे आते हैं। अच्छा बताओ कौन है वो विदेश आदमी? हाँ जिसके अंदर तुम्हें हरिश्चंद्र का दर्शन हो गया है। मैडम आप उसे तो कुछ नहीं कीजिएगा ना। ए बाबू अब उसका क्या करना है वो हम देख लेंगे, तुमसे जितना पूछा गया है ना सिर्फ उतने का जवाब दो। वो बिलासपुर का रहने वाला है, अनुराग सिंह है नाम उसका। का नाम है उसका? अनुराग सिंह। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे मिस्टर जी को मिला है? दीदी जी हम लोग बेकार में तप रहे हैं। घी गिरा जरूर है लेकिन थालिये में गिरा है। अरे भाई ठेका घर में ना आया है। फोन लगा उस कॉन्ट्रैक्टर को। क्या ये क्या कर रही है? उसको बोलो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन चुपचाप फोन लगाओ नहीं तो तुम्हारी बीवी के लिए दूसरा पति और तुम्हारे बच्चों के लिए सौतेला बाप तुम्हारे मरने से पहले खोज लेंगे, समझ गए? हम लगाते हैं फोन। हेलो उसके। अरे हम बताते हैं नंबर, लगाओ 8732 1 6। खूब माने मन मुस्कुरा रहे हैं। लीजिए गरम गरम पराठा। जानते हैं अभी इतना दिन से घर में लड़ाई झगड़ा लगल था तो हम कुछ नहीं खा पा रहे थे। अभी आप खुश हैं तो हम कुछ खा लेते हैं। अब हम दूसरा पराठा लेकर आते हैं आपके लिए। पीटीओ साहब। हेलो। हाँ अनुराग जी। जी आई एम सॉरी सर, सॉरी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि सरकारी नियम के अनुसार 3 साल का अनुभव होना चाहिए। वो आपके पास है नहीं इसीलिए कैंसिल करना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। ओह टेंडर नहीं मिल सकता,
अब मतलब लंदन में ही कुछ करने का सोचना होगा। वीडियो साहब एक्चुअली मैं आपको फोन करने ही वाला था। एक्चुअली बात क्या है कि सिचुएशन थोड़ी चेंज है, मुझे लंदन से ऑफर आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू अनुराग जी। वेलकम रागनी जी, आपका काम हो गया और उनकी जान भी बच गई। काहे ऐसा का बोले अनुराग बाबू? वो लंदन जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। का अनुराग बाबू लंदन जा रहे हैं? जी दीदी जी, बाबू लंदन जा रहे हैं और ये बात दीदी को पता भी नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। दीदी जी हम सबसे कुछ छिपा रहे हैं। हम जो चाहते थे वही तो हो रहा है, फिर हमें बुरा काहे लग रहा है।